हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं अपने गार्डन में जो मेरे फ्रूट लगे हुए हैं उनकी हार्वेस्टिंग करूंगी। क्या क्या लगे हुए हैं आपके साथ वीडियो शेयर करूंगी। तो चलिए देर न करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये मेरा अभी फ्लावर, ये मुर्ग कलगी कहते हैं इसको, और ये अपने आप ही ग्रो हो जाता है मेरे गार्डन में। देखिए कितना सुंदर सा फूल होता है, थोड़ा सा ना वेलवेटी जैसा होता है, वेलवेट जैसा। तो बस अब यहाँ देखिए, सबसे पहले ये मेरे संतरे लगे हुए हैं, मैंने पॉट पर ही लगा रखा है, और कितनी ज़्यादा फ्रूटिंग है आपको मैं दिखाती हूँ। देखिए गुच्छों में लगा हुआ आप देख सकते हो, और ये भी देखिए, बहुत सारे फूल बहुत आते हैं, उसके बाद कुछ फूल झड़ जाते हैं, कुछ रह जाते हैं। देखिए कितने सारे संतरे लगे हुए आप देख सकते हो, ये देखिए, ये देखिए, अब देखिए कितने सारे लगे हुए हैं देख सकते हो। तो आज इनको भी हार्वेस्ट करूंगी। थोड़ा सा पीले हो गए हैं और बस पक चुके हैं। ये देखिए छोटा छोटा होता है, लेकिन बहुत सारा फल आता है आप देख सकते हो, आराम से टूट जाते हैं इस तरह से, ये देखिए। इसमें रखती जाती हूँ, एक्चुअली मैं कैंची नहीं लाई थी, हाथ से ऐसे तोड़ लेती हूँ। तो ये साल में ना, अब जैसे मैंने तोड़ लूंगी, फिर थोड़ा सा खाद डाल देती हूँ, तो दो बार खाद डालती हूँ, और अब इसमें बहुत अच्छी फ्रूटिंग होती है। तो ये कागजी नहीं है, है छोटा छोटा है, बट पिछली बार कुछ कम लगे थे, इस बार तो बहुत ज़्यादा संतरे लगे हैं। और थोड़ा सा अगर आप केयर करो तो और भी ज़्यादा लगे। मैं ज़्यादा एक्चुअली केयर नहीं कर पाती हूँ, उसके बावजूद भी इसमें गुच्छों में आता है, मुझे मतलब देख के अच्छा लगता है। वो तोड़ो चाहे ना तोड़ो, बस देखने में लगता है अरे वाह फल लगे हुए हैं। तो देख, मैं तो छोड़ देती हूँ कि इसी में लगे रहें, मुझे देखने में बहुत सुंदर देखने में लगते हैं ये देखिए। ये इसकी मैंने पहले छोटे पॉट में लगाया हुआ था, रिपोर्टिंग किया था मैंने, वो वीडियो भी आपके साथ शेयर किया था। और थोड़ा सा बड़े पॉट में इसको शिफ्ट कर दिया था, 16 इंच का पॉट है, और इसमें देखिए इतना ही छोटा है पौधा, और इसमें बहुत अच्छी फ्रूटिंग होती रहती है, और फूल तो बहुत आते हैं। देखिए डाल भी टूट, किसी कटिंग लग जाती है, तो किसी के यहाँ जैसे लगा है तो आप कटिंग भी लगा सकते हो। तो मेरे में गार्डन में संतरे लगे हैं, मौसमी लगी है, और अमरूद हैं बहुत सारे, अभी अमरूद तोड़ूंगी, और सीताफल हैं जो शरीफा कहलाते हैं वो भी हैं। देखिए इस तरह से जो पके हैं मैंने उनको तोड़ लिया, देख सकते हो आप कितने सारे संतरे निकले, और अभी भी काफी लगे हैं, मैं कुछ छोड़ दे रही हूँ। ये देखिए, इसे जब प्लांट में लगा होता है ना फल, तो बहुत देखने में खूबसूरत दिखता है। मैं तो इसी में रहने देती हूँ ज्यादातर, कम से कम। देखिए छोटा सा पौधा है, मुश्किल से 1.5-2 साल पुराना पौधा है मेरा, 2 साल पुराना पौधा है ये, और इसमें बहुत अच्छी फ्रूटिंग होती है। तो अगर आप फर्टिलाइजर टाइम से देते रहते हो तो और भी ज्यादा निकले, मैं तो नहीं देती हूँ ज्यादा, इसलिए थोड़ा सा केयर कम कर पाती हूँ। तो अगर आप केयर कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। देखिए इतने सारे निकल गए। तो इस तरह से फल वाले पौधे ना, जो हाइब्रिड वाले होते हैं, आप उनको बोलिए कि हमको हाइब्रिड वाला प्लांट चाहिए, देते हैं वो नर्सरी में, और उसमें अच्छी फ्रूटिंग होती है। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे लगा के रखा हुआ, और यहीं पे देखिए मेरे गुड़हल लगे हैं। और गुड़हल ये एक मैंने देखा कि ये मैंने कटिंग से लगाया था लास्ट ईयर, किसी के यहाँ से लाई थी, और इसमें 2 कलर के फूल आ रहे हैं, एक तो ये आ रहा है और एक रेड भी इसी में निकला। देखिए मैंने ये फर्स्ट टाइम निकला है, मुझे लग रहा था खाली एक कलर का है ये देखिए, मतलब रेड वाला अलग से भी है ये वाला, और इसके साथ भी रेड निकला है, मतलब ये देखिए 2 कलर निकला है। तो गुड़हल को मैंने देखा है, अगर धूप मिलती रहती है तो बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता रहता है। आप थोड़ा बहुत अगर उसको महीने 2 महीने में एक बार देख लो, गुड़ाई कर लो, थोड़ा सा फर्टिलाइजर दे दो, तो बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती। इसका कलर बहुत प्यारा है एक्चुअली, देखिए। तो ये देखिए इतने सारे संतरे निकल गए हैं। और ये देखिए, ये है मेरे चकोतरे का प्लांट है, इसमें काफ़ी बड़ा चकोतरा लगा है, ये देखिए एक कम से कम 1.5 से 2 केजी का है। तो ये काफ़ी टाइम से है, पहले हरा था, मुझे लग रहा था ये मौसमी का प्लांट है, मैं मौसमी समझ के लाई थी, बट लगा था तो मौसमी जैसे ही दिखता है, और पहले काफ़ी छोटा था, धीरे धीरे बढ़ता गया, पहले ग्रीन था, और अभी पकने में इसने काफ़ी टाइम लगा दिया, कम से कम 5-6 महीने से ग्रीन था, फिर अब पीला हुआ है, लेकिन काफ़ी बड़ा है, एक ही लगा है, फर्स्ट फर्स्ट टाइम लगा है ये वाला फ्रूट, और 1.5 से 2 साल पुराना ही है पौधा मेरा, बहुत पुराना नहीं। ये वाला पौधा और मैं संतरे का एक साथ ही लेके आई थी,
और ये बहुत ही बड़ा लगा हुआ है। इसका टेस्ट थोड़ा सा कहते हैं खट्टा मीठा होता है, तो कैसे निकलेगा देखूंगी। तो आज इसको भी हार्वेस्ट करूंगी और देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। छोटा सा प्लांट में बड़ा सा फ्रूट लगा है, देखिए इस तरह से निकला। बिल्कुल पक चुका था, जैसे ही मैंने टच किया वो टूट गया। तो देखिए काफ़ी बड़ा है, कम से कम 1.5 से 2 किलो का होगा। तो ये चकोतरा है, तो जब इस तरह से फल निकलते हैं तो बहुत खुशी होती, देखने में अच्छा लगता है। तो आप पॉट में भी लगा सकते हो, फ्रूट वाले प्लांट जो होते हैं इजीली हो जाते हैं। ग्राफ्टेड लाया करें, जो ग्राफ्टेड होते हैं और जो हाइब्रिड वाली वैरायटी होती है ना, तो वो इजीली लग जाते हैं। और जब आप फ्रूट वाले प्लांट लगाते हो आसपास, तो फ्लावर वाले प्लांट भी लगा के रखा करें, उससे ना पॉलिनेशन होता रहता है और फ्रूटिंग होती रहती है, इस चीज़ का भी ध्यान रखा करें। तो ये देखिए, ये है चकोतरा का फ्रूट, और ये देखिए मेरे ये शरीफा का प्लांट है, इसमें बहुत फ्रूटिंग होती है और इसको कस्टर्ड एप्पल भी कहते हैं। तो इसमें ना फ्रूटिंग होती ही रहती है, साल में 2 बार होती है। देख कितना सारा लगा हुआ, तो कुछ आज मैं हार्वेस्ट करूँगी, कुछ छोड़ दूंगी, जो पके हैं वो हार्वेस्ट कर लेती हूँ। और इतना टेस्टी लगता है क्योंकि ये बिल्कुल नेचुरल तरीके से पके हुए हैं प्लांट में। जो मार्केट में आते हैं वो कच्चे तोड़ लेते हैं फिर पकने को रखते हैं, तो उतने टेस्टी नहीं लगते हैं। बट जो प्लांट में पके होते हैं ना, जो पेड़ पर पकते हैं, कोई भी फल हो वो बहुत ही टेस्ट होता है, उसका अलग ही टेस्ट होता है। तो ये वाला प्लांट मेरा बीज से ग्रो किया था मैंने, जो मार्केट से शरीफा लाते हैं उसी का बीज डाल दिया था और उग गया है, जमीन पर लगा हुआ है। काफ़ी बड़ा प्लांट है मेरा, देखिए। तो ये 4-5 साल हो गया है इसको आराम से, और ये 2-3 साल में इसने फ्रूटिंग शुरू कर दी थी। तो इसमें काफ़ी अच्छा फल आता है और काफ़ी बड़ा बड़ा आता है। तो जैसे कि आप अभी मार्केट में मिल रहे हैं शरीफे, तो लाते हो बीज से, आप उगा सकते हो और उसमें फल आते हैं। तो ये शरीफा है, देखिए। तो इसको भी हम तोड़ लेते हैं। ये देखिए काफ़ी बड़े बड़े इसमें फल होते हैं और बहुत ही अंदर जैसे ना गुदीला होता है। तो जब तोड़ते हैं ना, तो मैं नीचे वाले तो सारे मैं खुद ही तोड़ लेती हूँ, ऊपर नहीं पहुँच पाती, लेकिन मन होता है तो मैंने कहा मैं भी तोड़ूंगी। तो सीढ़ी लगा के फिर मैंने तोड़े फल। काफी अच्छा लगता है जब आप अपनी गार्डन की चीजें निकलती हैं और खुद उसको करते हो, तो बहुत खुशी होती है। उस खुशी को ना आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो कभी आप देखिएगा, जब जैसे मेरा आम है काफी ऊंचा हो जाता है, उसको तोड़ना मुश्किल हो जाता है। शरीफा के पेड़ भी काफी बड़ा हो गया है, बट कोशिश करती हूँ कि मैं तोड़ूं। तो कुछ तोड़े मैंने, बाकी मैंने तुड़वाए, हेल्प ली, तो काफी सारे निकल गए थे। और फिर उसमें जो मैंने पके थे थोड़ा, या 1-2 दिन में पकने वाले थे, उनको तोड़ लिया, बाकी उसी में छोड़ दिए। जब फ्रूट वाले प्लांट आपके घर में लगे होते हैं, बहुत सारी बर्ड्स आती हैं, चिड़िया आती हैं, और बहुत सारी तितलियां भी आती हैं। और देखिए वहीं पे मेरे अमरूद का प्लांट लगा है, कितना बड़ा अमरूद होता है, इतना टेस्टी है ये। इस अमरूद में भी मेरे में 2 बार फल आते हैं। देखिए चिड़िया ने इसमें थोड़ा सा टोका मार दिया है और होल कर दिया है। जब छोटा था तो करा होगा, उसके बाद अब पका नहीं था अभी थोड़ा सा। बहुत सारे लगे हुए हैं और धीरे धीरे ना बड़े हो जाते हैं काफी, और बहुत ही जूसी है। इसमें सीड्स इसके बहुत छोटे छोटे हैं, और ये 2 बार साल में फल देता है, अभी देता है और बरसात में भी होते हैं इसमें, और बहुत ही टेस्टी होता है। तो जो बड़े हो जाते हैं इस तरह से, देखिए कितना बड़ा सा ये भी है, तो इसको भी तोड़ लेते हैं। बहुत ही टेस्टी लगते हैं, आप ज्यादा थोड़ा छोड़ दोगे तो पक भी जाते हैं। मैं थोड़ा इस तरह से ही तोड़ती हूँ, क्योंकि ये वाला फ्लेवर इसका बड़ा अच्छा लगता है, जूसी जूसी सा, थोड़ा सा खट्टा, थोड़ा सा मीठा। और ये देखिए इतना बड़ा हो गया है मेरा अमरूद का प्लांट, काफी बड़ा है, और इसी में मैंने देखिए उठा रखा है चिड़ियों के लिए भी। इसमें नीचे से ही फल लगना शुरू हो जाता है, आप देख रहे हो इतने छोटे से। तो जो छोटे छोटे अभी मैंने उनको छोड़ दिया है, और जो पक रहे थे थोड़ा बड़े थे उनको तोड़ लिया, और अभी भी काफी लगे हुए हैं। और अमरूद भी मैंने जो छोटे थे उनको छोड़ा है, कुछ चिड़िया खाती रहती हैं, कुछ मिल जाते हैं, कुछ लोग भी तोड़ लेते हैं, क्योंकि बड़ा जब पेड़ हो जाता है तो सड़क की तरफ भी चला जाता है, तो उधर भी तोड़ लेते हैं। तो ये मेरे जमीन पे लगे हुए हैं, आम के, अमरूद का, शरीफा का, और भी 1-2 फल लगे हुए हैं। तो ये देखिए मेरा खीरा, ये देसी खीरा है, इसको भी तोड़ लेती हूँ। काफी कांटे से हैं इसमें, एक्चुअली मैं कैंची नहीं लाई, ऊपर ऊपर लगे हुए हैं ना ये सारे, तो चाकू से ही काट लेती हूँ। तो ये देखिए देसी खीरा है, ये रेड रेड हो गया, अभी ग्रीन था, मैं कल तोड़ने वाली थी फिर नहीं तोड़ा और लाल हो गया। ये देखिए मिर्ची तो मेरी ये पक जाती है, और ये बीच से उगाई थी मैंने, इतनी निकलती है मिर्ची, और काफी तीखी मिर्ची है, क्योंकि
ये पक के ना इसी में गिर जाती हैं और ये उगती भी रहती हैं। तो मिर्ची तो आप जो आपके खाते हो ना मिर्ची, उसको बो दिया करें बीज और उग जाते हैं और खूब सारी मिर्ची लगती है उसमें। आपको मिर्ची तो खरीदनी ही नहीं पड़ेगी, मेरी इतनी निकलती रहती हैं, बस तोड़ते रहते हैं, कुछ पक भी जाती हैं। देखिए ये मोटी वाली भी लगी हुई हैं, जो थोड़ा ये कम तीखी होती हैं, आप देख सकते हो सारी पक गई हैं। ये बैगन भी पक गए, मैंने इनको छोड़ दिया है सीड्स के लिए। तो इस तरह से आप जब सीड्स बन जाते हैं ना तो आप इनको ग्रो कर सकते हो। और बाकी की कटिंग कर दी है, फिर से फ्लावरिंग होने लगी है मेरे बैगन में। देखिए बढ़ गया था, अभी फ्लावरिंग नहीं हो रही थी। तो अगर आपके बैगन में फ्लावर्स नहीं आ रहे हैं, फ्रूट नहीं आ रहे, थोड़ा कटिंग कर दीजिए, उसके बाद फ्लावरिंग होने लगती है, फ्रूट भी लगने लगते हैं। देखिए तो ये निकली मिर्ची, ये मैंने लहसुन बो दिया था, तो लहसुन निकलता रहता है चटनी के लिए इस तरह से। इसकी लीफ में इतनी अच्छी खुशबू है, देखिए चटनी में डाल दीजिए थोड़ा सा हेल्दी लहसुन की जो पत्तियां होती हैं ना, बहुत टेस्टी चटनी लगती है। लहसुन हरी मिर्च की चटनी जो बनाते हैं, तो ये थोड़ा थोड़ा निकाल लेती हूँ मैं। ये देखिए इससे चटनी बनाएंगे आज। तो इतनी चीज़ें लगाए करें, जो कम से कम अगर सब्जी लगाते हो तो इतनी सब्जी हो कि आप एक बार कभी हफ्ते में एक बार कभी बना लो। ये नहीं कि बस एक दो लगा दी तो कोई फ़ायदा नहीं होता, कुछ नहीं निकलता है। फिर आप खाली बस शौक के लिए लगा सकते हो, तो कम से कम इतना लगाएं कि आपकी चीज़ें निकलती रहें। देखिए तो अच्छा लगता है, मेन चीज़ है कि आपको मतलब बस खुशी होती है, उस खुशी को आप बयान नहीं कर सकते। तो चीज़ें लेनी तो पड़ती हैं, बट जब कुछ अपनी निकलती हैं उसमें आपको मन भी लगेगा। इस तरह से देखिए, तो ये थी आज की मेरी हार्वेस्टिंग फ्रूट्स की और वेजिटेबल्स की। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और अगर मेरे चैनल पर आप नए जुड़े हैं और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें, जिससे कि मैं और वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।